सो आज मेरे पास है एक तोशीबा, जिसको बोल सकते हैं तोशीबा कंपनी की सीआरटी टीवी, जिसको कलर टीवी बोलते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें पावर आ रही है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी मैंने इसका सप्लाई चेक किया तो इसकी डिस्प्ले पे मतलब इसकी इंडिकेशन सप्लाई आ रही है, बट इसकी स्क्रीन नहीं आ रही है। जैसे आपको पीछे से इसकी दिखाऊँ तो जैसे फ्रंट साइड से पहले आप देख रहे होंगे कि इसकी इंडिकेशन जल रही है, यानी कि 5 वोल्ट ऑपरेटिंग, और साथ साथ हमारी जितनी इसकी पावर सर्किट है वो सब ऑपरेटिंग है, लेकिन फिर भी शीशे पे लाइट नहीं आ रही है। पीछे के साइड देखेंगे तो आप इसका एलिमेंट हल्का हल्का ग्लो कर रहा है, लेकिन लाइट नहीं आ रही है। तो आखिरकार इसका रीज़न क्या हो सकता है और इसकी पूरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो आपके टीवी में तो उसको कैसे दूर की जाती है? सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। सो फाइनल, अगर आपके पास भी सीआरटी टीवी यानी कि कलर टीवी है तो आपको ये वीडियो पूरी बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि फ्लैट कलर टीवी हो, जैसे आपके पास भी फ्लैट कलर टीवी होगी इस टाइप की, तो सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। अगर लाइट नहीं आ रही हो तो सेम अकॉर्डिंग उसको भी चेक करेंगे तो शायद आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण से सीआरटी टीवी में सप्लाई नहीं आती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरे भाई, अगर अगर चैनल को पहले आपने पहले से अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, अगर नहीं किए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इसमें कौन सी प्रॉब्लम होती है और कैसे इसकी वोल्टेज मेजरमेंट की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका वोल्ट होता है, यानी कि कहाँ पर कितना वोल्ट बनना चाहिए। अगर पिक्चर की प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन में आपको कौन कौन से पार्ट्स को चेक करनी चाहिए इंपॉर्टेंट आपका। इसमें तो बहुत सारे जोन होते हैं, जैसे ईएसटी जोन होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आउटपुट, इनपुट, ऑडियो, ईएसटी, पावर जोन, मतलब बहुत सारी सेंसरिंग, रिमोटिंग, स्विचिंग, सारे की सारी जोन अलग अलग होती है। तो आखिरकार सब तो आप टचिंग नहीं कर सकते हैं ना, तो इसकी प्रॉब्लम होती है आपकी, अभी इसकी प्रॉब्लम है जैसे पिक्चर की, तो पिक्चर के ही पार्ट्स को चेक करनी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि कौन से पिक्चर की पार्ट्स इसकी डेड है। तो सो मेरे भाई, ये हमारी अभी टीवी की बोर्ड है और ये हमारी होती है मल्टीमीटर, क्योंकि मल्टीमीटर से हमको मेज़र करनी होगी सारी की सारी वोल्ट। तो आप मल्टीमीटर पे भी गौर करेंगे, साथ साथ हम जहाँ जहाँ जैसे वोल्ट को चेक कर रहे हैं वैसे चेक करिएगा। सबसे पहले हम इसकी सारी की सारी वायर को खोल दूंगा, क्योंकि ये हमारी ऑडियो की वायर है और ये भी हमारी ऑडियो की जैक सेक्शन है। तो हम ऑडियो के सेक्शन को निकाल देते हैं, मेन सप्लाई आपको रहने देना होगा। तो ये हमारी मेन सप्लाई यहाँ से है और ये बॉडी अर्थ को आपको बिल्कुल भी नहीं हटानी है। सबसे पहले आपको एक सजेस्ट मैं ये करूँगा, अगर आप फर्स्ट में आप टीवी चेक कर रहे होंगे तो ये बॉडी अर्थ जो होती है बॉडी से निकल कर डायरेक्ट आपको बेस पे जुड़ी रहती है यहाँ पे, इसको बिल्कुल भी रिमूव ना करें क्योंकि आपको डेंजर शॉर्ट सर्किट लग सकती है। दूसरा, आप कभी भी चेक कर रहे हैं टीवी तो ये जो इसकी ईएसटी की वायर होती है कभी भी कैप में लगे रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास अनुभव नहीं होगी, अगर गलती से भी ये टचिंग कर देते हैं तो आपको जानलेवा हानि हो सकती है। तो अब इसको वोल्टेज को मेज़र करनी होगी, तो वोल्टेज को मेज़र करने के लिए बोर्ड को पलटना होगा और ये हमारी हो जाती है अब फाइनल बोर्ड। अब बोर्ड में आपको एक वाली जो प्रोड होती है इसको फिक्स कर लेना होगा आपका, मतलब 200 पे मल्टीमीटर को, और एक प्रोड को आपको डाल देनी होगी जो आपके पिक्चर ट्यूब में अर्थ लगे रहते हैं, यानी कि ये वाली वायर से अर्थ लगे रहते हैं, इस वाली अर्थ में हमको एक वायर ऐड कर देनी होगी। अब हमको देनी होगी इसमें सप्लाई, और सप्लाई देने के बाद हम सारी की सारी वोल्ट को चेक करेंगे, काउंट करेंगे कि आखिरकार हमारी वोल्ट कहाँ मिसिंग हो रही है। तो सबसे पहला हमको चेक करना होगा 110, तो हमको यहाँ पे आपको बनती है 110, तो 110 आपको क्लियर होगी, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा मीटर में हमारी 111 वोल्ट क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पे बनती है आपका 24 वोल्ट, तो ये आपका 26 वोल्ट क्लियर है, 2 वोल्ट अप्रॉक्स लेके चलता है, क्लियर है। उसके बाद में यहाँ बननी चाहिए आपका 12 वोल्ट जो कि मेन पैनल का होता है, ये भी आपका क्लियर है। यहाँ पे बननी चाहिए आपका 14 वोल्ट, जो 16 वोल्ट ये भी सही है क्योंकि ये आपका ऑडियो का होता है, ये आपका पैनल का होता है। ये आपका 24 वोल्ट साउंड ऑपरेटिंग, ये आपका 24 वोल्ट आपका मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब वर्टिकल आईसी का होता है जो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में काम करती है उसका होता है, और 110 आपका मेन सर्किट ऑपरेट कराने को बोलते हैं यानी कि ईएसटी के लिए। तो हमारी ये वाली ये 110 हमारी यहाँ तक आ रही है, फिर हमको यहाँ भी देखना होगा ये भी क्लियर है। उसके साथ साथ अब हमको देखना होगा यहाँ 180, तो 180 अभी हमारी काम नहीं कर रही है, तो हम इसको कराएंगे अब स्विचिंग, क्योंकि 180 जब काम नहीं करे तो सबसे पहले आपको स्विचिंग करानी चाहिए। तो ये हम अभी हम देखेंगे कि हमारी यहाँ से ये स्विच बोर्ड है, तो अब मैं इन प्रोड को यहाँ पे डालते हुए अब मैं इसको स्विचिंग करा रहा हूँ। तो 180 वोल्ट तो हमारी क्लियर हो गई, 180 वोल्ट आने लगी, साथ साथ हमारी ये मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी मतलब एलिमेंट हल्की हल्की ग्लो कर रही है लेकिन फिगर नहीं आ रही है। तो 180 वोल्ट ये अप्रोक्सली आपको 145 वोल्ट से लेकर के 180 वोल्ट तक हो सकता है, इसके लिए दिक्कत आपको नहीं होगी। अब चलते हैं हम बेस की तरफ बढ़ते हैं, तो बेस में हमको सबसे पहले 180 देखनी होगी, 180 आ रही है यहाँ पे। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखना होगा इसका कलर का, तो कलर भी आपका 2.2 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद में फिर से यहाँ पे 1.5 वोल्ट आ रही है, फिर से आपके यहाँ पे 1.5 वोल्ट है, फिर भी यहाँ पे 1.5 वोल्ट है, और ये आपका ग्राउंड हो जाता है। तो कलर भी सही है,
साथ साथ हमारा 180 भी सही है। अब आपको चेक करना होगा इसका एचबी यानी कि मतलब एलिमेंट वायर। तो एलिमेंट वायर हम इसको टचिंग कराएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा पल्स वोल्ट यहाँ पे बननी चाहिए, तो पल्स वोल्ट हमारी बन रही है। तो अब इस सिचुएशन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लाइट को मतलब वायर से हम इसको आउट कर देंगे, लाइट को निकाल चुका हूँ निकाल देंगे। उसके बाद में सबसे पहले इस बेस प्लेट को हम खोलेंगे यहाँ से, यानी कि क्योंकि हमारी सारी की सारी सप्लाई तो शायद सही है। अब हम सबसे पहले इसको बेस को खोलेंगे। प्रॉब्लम ये भी होती है कि आपकी 180 चालू रहती है, उस सिचुएशन में आपका सप्लाई फिगर नहीं आता है, ऑडियो आता रहेगा फिगर नहीं आएगा, साथ साथ ऑडियो भी आएगा लेकिन फिगर नहीं आएगा। उस सिचुएशन में यही सेम प्रोसेस आपके टीवी के साथ होता है। तो ये हम इसको खोल चुके हैं। अब मैं इसको बॉडी अर्थ को यहाँ से डिस्चार्ज करूँगा। बॉडी अर्थ को डिस्चार्ज करने के बाद आपको इसमें क्या देखनी होगी ये आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारी बेस की ये जो मेन वाली 180 की जो लीड होती है, यानी कि ये 180 की जो मेन ये पोर्ट होती है, इस पोर्ट में हमारी मतलब कि हरा हरा अगर कलर कोई दिख रहा है तो हमारी बेस प्लेट ख़राब है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने से पहले मैं यहाँ से इसको खोल के ओपन करके ही आपको दिखा देता हूँ कि हमारी बेस प्लेट कैसे ख़राब होती है। जब आप इस किनारे में अच्छे तरह से ध्यान से देखेंगे तो आपको हरी हरी कुछ दिखाई देने लगेगी। ये किराने किनारे हैं ना, इसमें आपको गौर से देखेंगे तो हरा हरा कलर का कुछ आपको इसमें दिखाई देने लगेगा। तो अगर इसमें हरा कलर का कुछ दिखाई दे तो समझ लेना कि आपकी बेस प्लेट ख़राब है। तो अब मैं इसको प्रैक्टिकली रूप से इसको ओपन करके ही आपको दिखा देता हूँ कि हमारी बेस प्लेट ख़राब है या सही है, क्योंकि हमारे देखने से तो बेस प्लेट हमारी ख़राब हो चुकी है। देखेंगे तो आप पूरी कचरा हो चुकी है हमारी बेस प्लेट अभी, और यहीं जो आप गौर से यहाँ पर देखेंगे ना, जैसे मैंने आपको होल में देखने के लिए बता रहा था, इस होल में देखने के लिए बता रहा था, आप उसी चीज़ को यहाँ गौर से देखेंगे तो आपको यहीं हरी वाली अगर दिखाई दे देगी ये हरी वाली, तो समझ लेना कि आपकी बेस प्लेट डेड हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसकी बेस प्लेट को बदलते हैं, उसके बाद में हम चेकअप करेंगे अगला प्रोसेस, क्योंकि बेस प्लेट ख़राब होने के कारण से ही आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी यहाँ तक नहीं आएगी, जिसके कारण से आपकी टीवी नहीं। तो बेस को बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको इसी में हमको ऐड कर देनी होगी, क्योंकि बेस अगर ऐसे रख के निकालेंगे तो शायद हमारी बेस सही सलामत नहीं निकलेगी। अब उसके बाद में हम इसके अच्छे से सारे के सारे ट्रैक को साफ़ कर लेंगे, यानी कि जितने भी इसमें ट्रैकर है सारे के सारे ट्रैकर को हम साफ़ करेंगे ऐसे। सो मेरे भाई, अगर आपके टीवी में धुंधला पर फिगर आ रही है या फिगर नहीं आ रही है तो उसी सिचुएशन में आपको ये वीडियो पूरा वॉच करनी चाहिए। कुछ रीज़न में आपको क्या होता है कि कुछ टीवी में आपको बहुत देर चलने के बाद ही आपकी फिगर सही होती है, यानी कि जब आप इस टीवी को स्टार्टिंग करेंगे तो धुंधली धुंधली आएगी और कुछ देर चलने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो वैसा प्रॉब्लम होता है, साथ साथ आपका अगर फिगर बिल्कुल भी नहीं आ रही है, केवल ऑडियो आ रही है, तो उस सिचुएशन में आपको ये वीडियो पूरा देखनी चाहिए। अगर इस वीडियो को देखते हैं तो हम उसी पे विशेष रूप से बात करने वाले हैं कि आखिरकार आपके टीवी में अगर फिगर नहीं है या आपका धीरे धीरे मतलब बहुत देर से गर्म होने के बाद टीवी गर्म होने के बाद अगर फिगर आ रही है तो उस सिचुएशन में आपको क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वीडियो होगी। तो बढ़ते हैं आगे। तो अब हमने इसके सारे के सारे ट्रैकर को साफ़ कर चुके हैं ऐसे आप देखेंगे, तो हम इस बेस को अब यहाँ से हटा लेते हैं। तो ये हमने पुरानी वाली बेस को हटा चुके हैं, अब हम यहाँ से इसमें डालने वाले हैं नए बेस। तो आखिरकार ये प्रॉब्लम क्यों होता है, ये बार बार बेस ख़राब होने का प्रॉब्लम आपका जब पिक्चर ट्यूब ज़्यादातर डेड हो जाएगा, यानी कि लास्ट पोजीशन में चलने लगेगा, उस सिचुएशन में आपका पिक्चर ट्यूब अधिक लंबी लेगा, यानी कि अर्थ आपका ज़्यादा लेगा, ज़्यादा आपके टीवी में सनसनाहट की आवाज़ें रहेगी, उस सिचुएशन में आपका जल्द जल्द बेस आपका डैमेज होता है। तो अगर आपकी बेस जल्द जल्द ख़राब हो रही है तो समझ ले आप पिक्चर ट्यूब की लाइफ नहीं बची है, क्योंकि ये अब पूरी तरह सीम हो चुकी है, इसकी मतलब ग्रंथ अब डिस्चार्ज हो चुकी है, तो अब चार्जर मिल नहीं रही है, जिसके कारण से अब सीआरटी टीवी की पिक्चर ट्यूब चार्ज हो पाएगी। सो फाइनल उस सिचुएशन में आपको पिक्चर ट्यूब ही बदल देनी होती है। तो ये हमने सारी की सारी इसकी रिसोल्डिंग कर चुके हैं। अब हम इस 110 वाले वायर को, यानी कि ये मेन वायर हमारी होती है जो कि ईएसटी से सप्लाई लेकर के हमारे पिक्चर ट्यूब तक आती है, इसको हमको ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर देनी होगी, यहाँ पे करके इसको बैठा दें, और बैठाने के बाद अब आपकी पिक्चर ट्यूब में इसको लगा दें। और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी एक और आपको रखनी होगी, वो भी क्या होगी समझ लेते हैं। जैसे मैंने इसको बैठा दिया, उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये बॉडी अर्थ ज़रूर जोड़ें, और बॉडी अर्थ जोड़ने के बाद ये अब जब बेस लगाएंगे तो हल्की सी आपकी लाइटिंग कम बेस हो सकती है, तो आपको ईएसटी से उसको मतलब कि नचा करके एडजस्ट कर लेनी होती है। तो ये हमारी हो चुकी है फाइनल सेटअप। अब मैं इसको लेके चलता हूँ आगे की तरफ, और आगे से इसकी मैं देख रहा हूँ और चेकअप कर लेता हूँ कि आखिरकार हमारी मतलब सीआरटी टीवी अब क्लियर हो चुकी है या नहीं हुई है। तो अब हमने इसकी सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका हूँ, जैसे इसकी बेस ख़राब थी तो मैंने बेस को बदल चुका हूँ। अब मैं इसकी टेस्टिंग कर लेता हूँ और देखता हूँ कि हमारी लाइट आ रही है कि नहीं, हमारी अब डिस्प्ले हो गई, और ये हम डालते हैं इसको पावर देते हैं, क्योंकि अभी हम सारे के सारे कनेक्शन को खोल रखे हैं इसलिए मतलब पैनल अभी नहीं जलेगी हमारी, और हमारी अब आप देखते हैं कि हमारी डिस्प्ले पर लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है।
तो जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी पैनल अभी आ चुकी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लाइटिंग की प्रॉब्लम होती है तो उस साइड में आपको ये प्रीसेट जो दी रहती है, मैं आपको दिखा दूँ, अगर इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे लाइटिंग अभी आ चुकी है, लाइट कम है, तो उस सिचुएशन में आपको ये जो प्रीसेट दी रहती है, इस प्रीसेट को नचा करके और इस लाइटिंग को एडजस्ट की जाती है। जैसे मैं इसको नचाऊँगा तो जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी लाइटिंग एडजस्ट, निचले वाले से लाइट बढ़ती है, ये वाली ये लाइट बढ़ रही है, और ऊपर वाले से आपकी जो मोमेंट होती है उसको क्लियर की जाती है, यानी कि जो धुंधलापन होता है उसको क्लियर किया जाता है। तो अगर आपके टीवी में, और एक चीज़ और कि इतना लाइट ना बढ़ाएं कि ये वाली जो आपको लाइनिंग लाइनिंग दिख रहा है, इस लाइनिंग को नहीं दिखना चाहिए। इसी को कम करने के लिए आपको ये मतलब ESD के निचले वाले हिस्से को क्लियर कर देनी होगी, और ये हमारी अब स्मूथ लाइटिंग क्लियर हो चुकी है। सो फाइनल, अगर आपके टीवी में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, लाइट नहीं आ रही थी, तो इस जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया उस तरह से आप आसानी से उसको रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर टीवियों में ज़्यादातर खराबी इसी की होती है, ये खराबी नमी के कारण से होता है। तो मैं आशा करूँगा कि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हमको दीजिए, आपका भाई प्रिंस, बाय बाय।